कानपुर देहात के डेरापुर तहसील के भारपुरवा गांव में फसल बर्बादी से परेशान किसान ने सोमवार को फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मृतक किसान ने बैंक से कर्ज लेकर खेतों में लगाया था, लेकिन बारिश नहीं होने से खेतों में अनाज नहीं हुआ और फसल पूरी तरह चौपट हो गई। बैंक वाले नोटिस पर नोटिस दे रहे थे और प्रशासन भी सुध लेने को तैयार नहीं था। ऐसे में किसान के पास अपनी जान देने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। लोन भी था उनके पास, उसी के कारण सब सोच के अपना जो कुछ था उन्होंने कर लिया। जी साहब, कुछ नहीं हुआ, 5 गठवा नहीं उसमें हुए, देख लो आप, दिखा दो उसमें, देखो चले कुछ नहीं हुआ। दूसरी घटना रसूलाबाद तहसील के बिरहन गांव की है, जहां सुखलाल ने अपने पत्नी के जेवर बेचकर और दोस्त रिश्तेदारों से ब्याज पर पैसा लेकर बटाई पर खेत लिया था। उसको उम्मीद थी कि खेतों में लहलहाती फसल खूब अनाज देगी, जिसे बेचकर घर के हालात ठीक हो जाएंगे, पत्नी के जेवर बन जाएंगे और लोगों से लिया कर्ज भी सूद समेत वापस हो जाएगा। लेकिन मौसम और पानी ने धोखा दे दिया, फसल चौपट हो गई, कर्जा देने वाले घर के चक्कर लगाने लगे, घर में खाने को अन्न नहीं बचा, लिहाजा सुखलाल ने गांव के नजदीक जंगल में जाकर फांसी लगा ली। लेकिन फसल ना होने के कारण काफी कर्जे से भयभीत था, अपने इज्जत और सम्मान के लिए काफी परेशान दिखा हमको। उसने कहा कि 2-3 दिन में हम क्या करेंगे, कैसे बेच के फसल भी, हमने तो उसको दिलासा दिलाया कि आप परेशान ना हो, प्राइवेट कर्जा जो है कुछ पैसा ब्याज पे ले रखा था। हालांकि सत्ताधारी दल सपा के स्थानीय विधायक राम स्वरूप सिंह गौर की माने तो पारिवारिक कलह के चलते सुखलाल ने आत्महत्या की। विधायक जी का दावा है कि जनपद में जिन किसानों की फसल बर्बाद हुई है उन्हें सरकार से उचित मुआवजा दिया गया है। विवाद था उनका परिवार में, आर्थिक तंगी हो सकती है, आत्महत्या कर ली। फिलहाल पुलिस ने किसान के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच के बाद कार्रवाई की बात कह रही है, लेकिन पुलिस किसके खिलाफ कार्रवाई करेगी ये शायद वो खुद नहीं जानती। PM पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और उसके बाद अग्रेतर विधि कार्रवाई की जाएगी। अगले साल UP में चुनावों को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही खुद को किसानों का सबसे बड़ा हितैषी बताते नहीं थकती। किसानों की बेहतरी के लिए कागजों में नई योजनाएं भी शुरू की गई हैं, लेकिन धरातल पर सच्चाई कुछ और ही है। दूसरों को अन्न देने वाला अन्नदाता आज खुद अन्न के लिए मोहताज है, उसकी फसल बर्बाद हो चुकी है, उसके बच्चे दाने दाने के लिए तरस रहे हैं और उसके सुध लेने वाला कोई नहीं है। प्रभात अवस्थी, APN, कानपुर देहात।